बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्यारी सी मज़ेदार स्टोरी है, एक प्यासा कवा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कवे को प्यास लगी, कैसे उसने कोशिश की और पानी पिया। प्यासा कवा कहानी का नाम है। एक कवा प्यासा था, वो पानी की तलाश में निकला, ठीक है बेटा। कव्वे को बाग में एक गड़ा नजर आया, कव्वे को बाग में एक गड़ा नजर आया। शाबाश, वेरी गुड, ऐसे साथ साथ पढ़ना है आपने। गड़े में पानी कम था, कव्वे की चूंच पानी तक ना पहुंच सकी, शाबाश, कव्वे की चूंच पानी तक ना पहुंच सकी। गड़े में पानी कम था, कव्वे की चूंच पानी तक ना पहुंच सकी। क्या कहा मैंने बेटा? चूंच पानी तक ना पहुंच सकी। शाबाश, ऐसे आप थोड़ा सा तवज्जो रखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। कौवा उड़ कर गया और कहीं से कंकर उठा लाया, उसने बहुत से कंकर गड़े में डाले, अब गड़े में पानी ऊपर आ गया, शाबाश। कव्वे ने जी भर कर पानी पिया, और काएं काएं करता उड़ गया, शाबाश, कव्वे ने जी भर कर पानी पिया और काएं काएं करता उड़